सेवा जितना छोटा सुनने में लगता है उतना ही कठिन लेकिन सुंदर शब्द है सेवा। सेवा के लिए क्या चाहिए? जैसे ही किसी को बोला जाता है कि सेवा करनी है या सेवा दीजिए, तो उसके मस्तिष्क में एक बात आती है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या सेवा दूँ। किसी से अगर बोला गया कि आप कुछ सेवा दीजिए, तो तुरंत उसको जो है ऐसा लगता जैसे धन संपत्ति या और कोई सोने चांदी हीरे मोती ये सब जो है मांग रहा है सामने वाला। थोड़ा हम लोग धार्मिक आस्था के हिसाब से एक चिंतन करें, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वास्तव में जीवन का, और इसको हमको सबको समझने की, सबसे पहले हम खुद समझें, और अगर और कोई समझना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। तो सेवा के बदले में आपको सबसे पहला तो कुछ आपकी चाहना हो, ये सबसे पहला इसका एक फॉर्मूला है, सिद्धांत है कि सेवा जब आप कर रहे हो तो आप उसके बदले में कुछ ना चाहें। तो अब कोई बोलेगा ये क्या संभव है ऐसा? बिल्कुल संभव है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि सेवा के बदले में। जैसे कोई पानी में डूब रहा है, अब आपने उसको बचा दिया, अब जब वो डूब रहा था तब आप उससे सौदा करते क्या कि भैया तुम बच जाओगे तो कितना दोगे मुझे, क्या दोगे मुझे? लेकिन आप ध्यान रखिए, आपने उस पानी से डूबने वाले को जो बचा करके आपने जो प्राप्त कर लिया सेवा के बदले में, वो संभवतः दिखाई ना दे, आपकी कोई तारीफ भी ना करे, लेकिन आपके अंदर एक जो सकारात्मक ऊर्जा होगी उससे जो प्राप्त होगी कि यार देखो मैंने जो है किसी को बचा लिया पानी में, कोई डूब रहा था तो आपको कोई ना देखा हो, कोई समस्या नहीं, कोई आपको अच्छा भी ना कहे, ठीक है, हो सकता है जिसको आपने बचाया वो भी आपको जो है भूल जाए, ठीक है, या ऐसा भी कह सकता है कि मैं मरने जा रहा था तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया, डूब जाने देना था। लेकिन ध्यान रखिए, आपका जो सेवा का निस्वार्थ भाव है वो आपको देवता बना देगा, और बगैर कुछ दिए। देना क्या चाहिए पता आपको? जो आपके पास हो, जो भी आपके पास हो वो आपको देना चाहिए। एक उदाहरण आपको बताते हैं, हालांकि आप सब विद्वान जन हैं, आपको सब पता है, फिर भी हम एक माचिस की तीली के हिसाब से एक प्रयास करते हैं कि हम एक छोटी सी तीली हैं, तो अगर उसके घिसने से कुछ थोड़ी सी लौ आ जाएगी तो अच्छी बात है, बाकी आप सब विद्वान हैं और आपका ही तीली का जो मसाला है वो भी आपके द्वारा ही प्राप्त है, तीली की जो लकड़ी है वो भी आपके द्वारा प्राप्त है। हनुमान जी को देखिए थोड़ा, हनुमान जी कलयुग के बड़े देवता हैं। कैसे बन गए हनुमान जी देवता? एक जंगल में रहने वाला साधारण सा बंदर देवता कैसे बन गया, भगवान कैसे बन गया? विचार किया आपने कभी? थोड़ा करिए, सेवा 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 सेवा, जितनी बार भी इस बात को हम दिमाग में पी जाएं, खा लें, गुटक लें, उठते बैठते खाते पीते सोते जाते आते, सेवा सेवा एक ऐसी चीज है जिससे आप स्वयं के लिए ऊर्जावान होते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा होते हैं, और आप संसार के लिए एक अद्वितीय उदाहरण बन जाते हैं। बिल्कुल हनुमान जी की तरह, हनुमान जी ने एक रुपये नहीं दिया राम जी को कभी, ठीक है, लेकिन हनुमान जी का सेवा भाव में नंबर वन। कोई रिश्ता नाता नहीं था, जबकि त्याग तो लक्ष्मण जी का बड़ा है, वो अपनी पत्नी छोड़ के गए हैं, लेकिन वो तो अपने सगे भाई के लिए गए हैं ना, त्याग तो है लेकिन वो भाई के लिए है त्याग। हनुमान जी के कौन है राम? हनुमान जी के तो कोई नहीं है राम,
तो ये समझिए कि हनुमान जी के राम कोई नहीं है और लोग अपना चाकर बनाना चाहते हैं। बंदर सोचिए आप, चाहता यदि बंदर है, हनुमान जी चाहते तो अपने हिसाब से नचाते वो जंगल में, सुग्रीव बाली ये सब मिल करके, जामवंत ये सब मिल करके राम जी को अपने हिसाब से नचाते ना। लेकिन आप देखो भाव देखो आप, ठीक है, आप भाव देखिए, जिस भाव ने एक बंदर को भगवान हनुमान जी की संज्ञा दे दी, सेवा करते करते हनुमान जी भगवान हो गए। और आज दुनिया में हनुमान जी को तो सब जानते हैं, आज दुनिया में शायद कोई ऐसा देश हो जहां हनुमान जी को ना जानते हों लोग। पूजा ना करें वो अलग बात है, पूजा करते हों चाहे ना करते हों, और हमारे धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं कि सबको जान पाना तो बड़ा कठिन है, लेकिन हनुमान जी सबसे टॉप मोस्ट, सबके फेवरेट, ठीक है ना। तो ये सोचिए हनुमान जी भगवान जो बने वो सेवा के कारण बन पाए हनुमान जी भगवान। तो ये हमारा बताने का उद्देश्य क्या था, बताने का उद्देश्य है हमारे धर्म शास्त्रों में तीन चीज़ें मुख्य रूप से बताई गई हैं, सेवा सुमिरन और सत्संग, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ सेवा की, ये बाकी के विषयों पर फिर किसी दिन बात करेंगे। सेवा से आप किसी का भी हृदय जीत सकते हैं, जीतने के लिए नहीं, आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए, उसके हृदय में आपके लिए एक अलग भाव जगेगा। ये हमारे जीवन का अनुभव भी है और जो हमारे अपने पवित्र लोग हैं वो भी इस अनुभव को बताते हैं, इसलिए हम ठोस होकर के आपको ये बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं कोई भी काम प्रयास करूंगा कि बगैर अनुभव के आप तक ना पहुंचाऊं, हाँ लेकिन अनुभव अगर हुआ है किसी चीज़ का तो उसको ज़रूर प्रयास करूँगा आप तक, सब तक पहुँचाने का, क्योंकि ये समय जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है। तो इस माध्यम से यदि 2-4, 10 लोग, 100 लोग जितने लोगों तक भी ये अपनी बातें पहुंचती हैं, ठीक है, आज एक साथ लाखों करोड़ों लोग आपको देख सकते हैं, लाखों करोड़ लोग आपको सुन सकते हैं, ऐसा एक बड़ा संयोग है ना, तकनीक है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सुने वो और आपको देख के क्या सीखें और आपको देख के क्या करें, जब आपने ये चीज़ें तय कर ली कि वो हमको देख करके क्या सीखें, हमको देख करके क्या करें, और जैसे आपने उनको समझाया बताया, ठीक है, कि भैया माताजी देवियों बच्चों सबसे बढ़िया कोई आए तो बोले जाता ना कि आवत ही हरसे नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी तहन जाइए कंचन वर्ष में। सबसे पहली सेवा क्या है, आदर सत्कार, अतिथि सेवा, आतिथ्य भाव, कोई भी हो, आप किसी के आने पर ऐसा मिलिए कि पहली बार मिल रहे हैं, किसी के जाने पर ऐसा मिलिए कि अब ये दोबारा मिलेगा कि नहीं, उसके प्रति ऐसा बिल्कुल भाव आ जाए तो आप देखो उसके लिए आप टूट पड़ेंगे, अब ये दोबारा तो मिलेगा नहीं, जो आया है ये तो पहली बार आया है, भले कई बार आ चुका हो। ये दो चीज़ हमारे जीवन की बड़ी मस्त चीज़ें हैं, बहुत मूल्यवान चीज़ें हैं, कि कोई आए तो समझिए पहली बार आया है, उसके लिए खूब सेवा में लग जाइए, अरे पहली बार आया तो खूब सेवा करिए, और जब जाए लगे तो समझिए कि आखिरी बार आया है, तो इसके और सेवा जितनी कर सकते हैं अब जो है अब इसके बाद ही दोबारा नहीं आएगा शायद, और जब दोबारा फिर वो आए तो भी उसके साथ में वही चीज़ें होनी चाहिए। फिर आप देखिए अगर आप ये सब चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं तो आप सेवा से भगवान बन जाएंगे, सेवा आपको भगवान बना देगी, आप बनना चाहें या ना बनना चाहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले मुझे तो भगवान नहीं बनना, कोई दिक्कत नहीं, आप भगवान नहीं बनो, अच्छे इंसान तो बन जाओगे, मानव में देवत्व समा जाए स्वर्ग धरा पर आ जाए। तो सेवा से संसार को जीतें और आप स्वयं को परमात्मा रूप में दिखाएं नहीं, आप जो है कृत्य रूप में जब आएंगे तो आप संसार का वक्तव्य बन जाएंगे, ठीक है, कुछ भी प्राप्त करने की होड़ ना हो, ठीक है, लेकिन कर्तव्यशीलता अवश्य होनी चाहिए, आपको हारने का डर ना हो,
ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जीतने की लालसा ना हो ये भी ठीक है, लेकिन निरंतरता, किसी भी कार्य की निरंतरता आपके हमारे सबके लिए बहुत आवश्यक है। आप सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से नमन करते हुए श्योली श्या रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे।
राम सीता राम श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय।